Okay, we are going to see the further questions of chapter 3, rest and motion, questions from 41 to 52. All right, chalo 41 dekhte pehle, thoda sa bada karte isko. Boy standing on the long railroad car throws a ball straight upward. The car is moving on the horizontal road with the acceleration of 1 m/s² and the projection velocity is vertical in vertical direction 9.8 m/s. How far behind the boy will the ball fall on the car? तो पहले time निकाल लेंगे इसका, t is equal to u by g, तो ये 2 seconds आ रहा है. उसके बाद जो है distance निकाल सकते हैं. कार जो है ये रेल लोड कार विल एक्सलेट एंड उसका डिस्टेंस कवर्ड विल बी हाउ मच, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे हाफ ए टी स्क्वायर से. तो दिस मच एक्सलेशन से वो इतनी आगे निकल जाएगी, 2 m आगे निकल जाएगी. बॉल विल फॉल बिहाइंड बाय 2 m. ठीक है, अगर यूनिफॉर्म होती, यूनिफॉर्म स्पीड से चलती होती तो फिर वहीं पे गिरती जहाँ पे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसको भी मिल जाता है ना. तो इट विल वुड हैव फॉलन देयर ओनली, बट एक्सलेशन है इसलिए वो बॉल विल फॉल बिहाइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्टेयरकेस कंटेन्स 3 steps ईच ऑफ 10 cm हाई एंड 20 cm वाइड. व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बॉल रोलिंग ऑफ द अपर मोस्ट प्लेन सो एज टू हिट डायरेक्टली द लोएस्ट प्लेन, है ना. तो इसके लिए देखो थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं. ऐसे लोएस्ट के लिए ऐसे इट शुड पास वेरी क्लोज टू द ये लास्ट स्टेप के बहुत पास. तो उसमें मेरा क्या होगा, ये वाई हो जाएगा, सॉरी ये एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा. 2 स्टेप का ही काउंट करना पड़ेगा. तो हाइट 20 और विड्थ 40 हो जाएगी, बिकॉज ये पता नहीं यहाँ पर अगर हम ऐसे काउंट करते तो वी डोंट नो हाउ मच एड. अगर हमने ओके ऐसे लिया तो ये इतनी डिस्टेंस नहीं पता हमें, तो बीच के कोऑर्डिनेट भी सेटिस्फाई होंगे. देखो ये वाले, ये एक्स और ये वाई, तो एग्जैक्टली पता है. ये वाला एक्स्ट्रा पता नहीं, नीचे तक लेंगे वाई तो ये पता, ये तो वाई तो पता है लेकिन एक्स पता नहीं कितना है. तो देयरफॉर वी विल जस्ट यूज इट लाइक दिस, ऐसे वेरी क्लोज है ना. इस तरह से थोड़ा सा नीट डायग्राम बना दें. ठीक है, बॉल भी बहुत पास यहाँ से रखने पड़ेगी हमें, वेरी क्लोज ऐसे. इट विल कम लाइक दिस, बॉल विल कम लाइक दिस. ठीक है, तो ये 40 हो जाएगा, ये 20, 0.2 0.4. ऑलराइट, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे y की एंड x की, 0.4 है ना. तो व्हेन वी सॉल्व इट u 2 m/s, ये अपना फार्मूला होता है. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का लर्न कर सकते हैं. अगर नहीं याद आता है तो पहले टाइम निकाल लेते हैं. t इज इक्वल टू एक्स बाई यू से फिर वर्टिकल डायरेक्शन के लिए लिखते हैं y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. तो t की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं. दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, टी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन आ जाती है. ऑल राइट, तो u 2 m/s. नाउ पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए ट्रक मूविंग विद द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ दिस ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड. द मैन थ्रोज ए बॉल इन सच ए वे दैट इट रिटर्न्स टू द ट्रक आफ्टर द ट्रक हैज मूव्ड 58.8 m. फाइंड द स्पीड एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. ठीक है, तो इसमें वैल्यूज नोट करेंगे पहले. तो देखो वर्टिकली थ्रो करना है तभी वापस आएगी, है ना. एंगल पर थ्रो किया तो एक्स्ट्रा ऑरिजेंटल कंपोनेंट से वो
इट विल फॉल आउट ऑफ द ट्रैक, तो वर्टिकल ही करना है, ठीक है। तो पहले तो हमने वर्टिकल करेंगे, और ये कितनी डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है, 58.8 हॉरिजॉन्टल में ट्रक आगे चले गए ना, तो ये स्पीड से चल रही, तो टाइम निकाल लेंगे इसका, एस इज इक्वल टू यू टी, तो ये आ जाएगा टाइम 4 सेकेंड, ठीक है। तो वर्टिकली फेंकेंगे, टाइम जो है टी इज इक्वल टू 2u/g, यहाँ से यू तुम्हारा 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा वर्टिकल, एज आई टोल्ड यू वर्टिकल फेंकना है, तो हॉरिजॉन्टली ऐसे फेंकेंगे एज सीन बाय, बट एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलता है वो ऐसे जाती है, फिर यहाँ से, तो ये हमने टाइम एस से टाइम, ये रिटर्न होके ऐसे यहाँ से हमें ऐसे दिखेगी बट ग्राउंड से ऐसे, तो ये टाइम हमें इनडायरेक्टली दिया था, तो वो निकाला टाइम हमने, और वर्टिकली हमें पता होना चाहिए, वर्टिकल फेंकेंगे तभी वापस आएगी, तो फिर हमने वर्टिकल का फार्मूला लगा दिया, तो ये आ गई। नाउ जब वापस आएगी वो ऐसे ऐसे हिट करेगी, तो उसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज होता नहीं है, वो जो इसका है उसको मिल जाएगा ट्रक का 14.7, वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकते हैं हम, जिससे फेंका उसी से वापस आएगी, 20 से फेंका तो 20 से वापस आती, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये तुम्हारा नेट इस वेलोसिटी से आके हिट करेगा, है ना। तो ये एंगल कितना है, देखो ऐसे आ रही, जस्ट मिनट, इट्स कमिंग एंड हिटिंग लाइक दिस, है ना, तो ये वी वाई, ये वी एक्स, तो वैल्यू पुट कर दी, वी वाई कितना है 20, वी एक्स इतना है, तो हॉरिजॉन्टल से ये 53 डिग्री एंगल पे हिट करेंगे। ऑलराइट, ये देखते हैं, बेंचेस ऑफ गैलरी इन द क्रिकेट स्टेडियम इज 1 मीटर वाइड एंड 1 मीटर हाई, बैट्समैन स्ट्राइक द बॉल एट द लेवल ऑफ 1 मीटर अबव द ग्राउंड एंड हिट्स द मैमथ 6, द बॉल स्टार्ट्स एट 35 मीटर पर सेकेंड, एंगल इज 53, द बेंचेस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन एंड फर्स्ट बेंच इज 110 मीटर फ्रॉम द बैट्समैन, ऑन विच बेंच बॉल विल हिट। तो देखो ऐसे यहाँ से ये ग्राउंड है, यहाँ से हिट किया गया था बैट से 1 मीटर ऊपर से हिट किया गया था, दिस द ग्राउंड, ये पूरा ग्राउंड है, तो ये पहली बेंच आ गई यहाँ से, फिर उसके ऊपर की बेंचेस हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से हिट किया गया, बॉल वाज स्टार्टिंग हियर, बैट जो है ऑलराइट, तो लेट्स सी नाउ हाउ टू सॉल्व दिस। फर्स्ट बेंच के फ्रंट से लिया हमने डिस्टेंस, तो ट्रेजेक्ट्री पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तो वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस थीटा। तो वाई ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर दी, जी 9.8, एक्स जो है एज इट इज़, यू की वैल्यू 35, कॉस थीटा जो है 0.6 होगा 53, और टेन थीटा विल बी 4/3, ये पुट कर दिया, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया, ये आ गया, ये क्वेश्चन आ गई। बट यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो लाइन है ऐसे, ये 45 आएगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने लिखा बिकॉज 1-1 के हैं, ये भी 1, ये भी 1, 1 विड्थ 1 हाइट, तो ये 45 डिग्री एंगल देगा, ये 1 ये 1 है,
तो ये लाइन की इक्वेशन जो है ऐसे, तो y इज इक्वल टू एक्स हो गई, लेकिन इंटरसेप्ट माइनस, देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेट से नीचे नीचे इंटरसेप्ट कर रहा है वो, कितना माइनस माइनस 110 पर 45 है। देखो ये कोऑर्डिनेट आएगा, ये पूरा एंगल ही अगर 45 है तो ये 110 है तो ये भी 110 आएगा, तो इंटरसेप्ट इज माइनस 110। वाई दी गुड़ा एम एक्स प्लस वाई दी गुड़ा एम एक्स प्लस माइनस सी होता है, तो नीचे इंटरसेक्ट करे इसलिए, तो ये वाई एंड एक्स का रिलेशन आ गया। तो ये इसमें पुट करने के बाद अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते हैं। ये सॉल्व किया, अंडर रूट निकाला, ये आया, फर्दर सॉल्व किया, 115.6 आता है इसका, इसमें वैल्यू वाई के रिलेशन में वैल्यू पुट कर दी तो 5.6 मतलब फिफ्थ बेंच पे एड करेगा, और एक बेंच नीचे भी है ना, यहाँ इस लेवल से एड किया गया था ना, एक बेंच ये भी काउंट होगी है ना। तो वो ऐड करनी पड़ेगी, कहाँ गई, तो 6। या फिर इसको दूसरा मेथड ये भी फॉलो कर सकते हैं, देखो रेंज निकाल ली हमने, कितनी रेंज पे, कितनी ओरिजेंटल रेंज है, तो ये अपनी रेंज आती है 120, बट एक्स्ट्रा डिस्टेंस की जो सबसे पहली बेंच है ये, उससे एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना हो गया 10, 120 माइनस फर्स्ट बेंच कितनी दूरी पर है, 110 पर, तो 10 मीटर एक्स्ट्रा इससे जाके। तो इसी समय में पता लग गया कि ये एंगल 45 है, 11 हाइट की है ना, तो ये मिड वे पे 5, तो यहाँ से ये, तो ये हाइट भी 5 हो जाएगी है ना, तो फिफ्थ बेंच पे लग रहा है, और 1 बेंच ये वाली, फर्स्ट वाली ये बेंच, यहाँ से 5 है, देखो 1 यहाँ से 1 1 1 1 एंड 1, ठीक है, तो नीचे वाली बेंच भी लेनी पड़ेगी 1। तो इस तरह से टोटल स्टेप्स विल बी 1 + 5 = 6 बेंच। तो दिस इज अदर वे जिसमें कैलकुलेशन थोड़े कम है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैन इज सिटिंग ऑन द शोर ऑफ द रिवर, ही इज इन द लाइन ऑफ 1 मीटर लॉन्ग बोट 5.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बोट, तो यहाँ से 5 ही होगी फिर, ठीक है, उसके फ्रंट एंड से। नाउ ही विशेस टू थ्रो एन एप्पल इन टू द बोट इफ ही कैन थ्रो द बॉल एप्पल इन फैक्ट ओनली विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन फॉर सक्सेसफुल शॉट, एज्यूम दैट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द एज ऑफ द बोट आर इन द सेम ओरिजेंटल लेवल। तो यू 10 दिया, आर 1, इसको अगर फ्रंट एंड को टारगेट करेंगे उसी से हमें एंगल, रियर एंड को टारगेट नहीं करना है, फ्रंट एंड को टारगेट करेंगे तो उसी से हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम एंगल मिलते। तो इसको सॉल्व किया वैल्यू पुट करके, 2θ इज इक्वल टू, ये 1/2 आया, 1/2 दो एंगल के लिए आता है साइन में, 30 + 150, तो थीटा 15 डिग्री मिनिमम एंगल, इससे कम किया तो वो अंदर पानी में गिर जाएगी है ना, मैक्सिमम 75 से ज़्यादा बढ़ाया तो फिर से वो वापस पानी में आ जाएगी, राइट। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है फिर रेंज कम होती है ना, 75 से ज़्यादा बढ़ाया तो रेंज कम, और 15 से कम किया तो फिर तो भी रेंज कम, 45 के अप्रोच करते हैं, 45 एंगल की तरफ तब मैक्सिमम रेंज होती है, ठीक है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, अ रिवर 400 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, अ बोट इज सेलिंग एट द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर रिवर, ऐसे जा रही बोट, VBR दिया, ये रिवर ऐसे फ्लो हो रही, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच टू द अपोजिट बैंक। तो परपेंडिकुलर जब जाती पूरी उसकी पावर यूज होती है उसको क्रॉस करने में, शॉर्टेस्ट टाइम भी लगता है एक्चुअली, तो विड्थ इतनी दी है,
वेलोसिटी ऑफ रिवर दी है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर दी है, तो पूरी वेलोसिटी यूज़ कर रही है परपेंडिकुलर जाने में, तो 400 बाई 10 40 सेकेंड्स मिनिमम टाइम होता है ये, है ना। हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच टू द अपोजिट बैंक। अभी क्या करेगी, बोट भी तो उसको पुश करेगी ऐसे, तो समवेयर यहाँ पहुँचेगी। बोट ऐसे स्टार्ट की उसने, ऐसे ऐसे जाने की कोशिश कर रही, बट पहुँचेगी इधर, तो इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट इज़ इक्वल टू उस डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी है, रिवर की वेलोसिटी है। रिवर की वेलोसिटी है, टाइम कितना हमने ऊपर से निकाला, तो रिवर 2 से फ्लो हो रहा है और टाइम जो है टी 40 निकाला है, तो 80 मीटर आंसर, ठीक है। बोट इज ट्राइंग टू गो, बोट ऐसे ऐसे मान लो, पावर बोट ऐसे, उसने एंगल परपेंडिकुलर ही रखा हुआ है लेकिन ड्रिफ्ट उसको, रिवर ड्रिफ्ट कर रही है आगे की तरफ। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। स्विमर विशेस टू क्रॉस 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट 5, उसकी स्पीड दी है विद रिस्पेक्ट टू रिवर 3 दी है। इफ़ ही हेड्स इन द डायरेक्शन मेकिंग एंगल थीटा विद द फ्लो, फाइंड द टाइम इट टेक्स। सपोज हमने थोड़ी देर के लिए अज्यूम किया कि ऐसे एक्चुअल में ऐसा होता वो, बट यहाँ पर हमने सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे लिया थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, वी साइन थीटा, वो उसको क्रॉस कराएगा, साइन थीटा आएगा ये वाला एंगल से दूर वाला कंपोनेंट, तो विड्थ डिवाइड बाय वी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इनटू साइन थीटा। तो ये साइन थीटा है, दैट इज एंगल हमें पता नहीं है, तो इसको जैसे वैल्यू पुट कर दी, बाकी वैल्यू पता है, तो ये और इस फॉर्म में आंसर लिखना है, एंगल इज़ नॉट नोन। उसके बाद जो है फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर। शॉर्टेस्ट में तो बिल्कुल उसको सीधा जाना पड़ेगा ऐसे, तो एंगल 90 करना पड़ेगा, ये यहाँ पे 90 पुट कर दो, 1 हो जाएगा। जब नीचे का मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी तो टाइम मिनिमम हो जाता है, तो 1, तो थीटा इज़ 1, आई मीन साइन थीटा इज़ 1, दैट इज थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। पूरी पावर यूज होती है जब ऐसे जाती है ना बोट, पूरी एनर्जी उसकी क्रॉस करने में लगती, पहुँचेगी वो इधर ही जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था। और अगर ऐसे गई तो और आगे पहुँचेगी इधर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन, द मैन हैज़ टू रीच टू द अदर शोर एट द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। इफ़ ही रीचेज द अदर शोर समवेयर एल्स, ही हैज़ टू वॉक डाउन टू दिस पॉइंट, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस। अभी क्या हो रहा है, तो ये ऐसे जाने पर यहाँ नहीं पहुँच पाएगा बिकॉज रिवर इज़ फास्ट फ्लोइंग, तो उसको कहीं ना कहीं आगे ले जाएगी, बिकॉज ये तो 3 है, तो ये रिवर की 4 है, तो राइट एंगल ट्राइंगल तो बना नहीं पाएगी वो, 3 और ये 4, ऐसा तो होगा नहीं, ये 3 और ये 4, 3 तो अभी अगर हमने राइट एंगल बनाया तो 4 वाला छोटा दिख रहा है, 3 वाला बड़ा दिख रहा है, ऐसा नहीं। तो वो अपोजिट, अब जब रिवर की वेलोसिटी ज़्यादा होती है ना, 4 है उसकी खुद की 3 है, तो वो अपोजिट एंड पे नहीं पहुंचती, बट एक सर्टन एंगल के लिए मिनिमम ड्रिफ्ट, ये मिनिमम ड्रिफ्ट होगी, तो वो निकालना। तो ड्रिफ्ट का फार्मूला लिखा, डिफ्रेंशिएट कर दिया एंगल के टर्म्स में, एंगल की वैल्यू निकालेंगे, वापस इसमें पुट कर देंगे, तो देखो ड्रिफ्ट कितनी होगी, ये ऐसे जा रही है तो उसका ये वाला कंपोनेंट, बट छोटा है ये तो, और रिवर फास्ट जा रही है, तो वो पहले लिखा हमने वी आर माइनस दिस कंपोनेंट ये इनटू टाइम, विड्थ अपॉन इसका जो ये वाला कॉस वाला कंपोनेंट है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इनटू कॉस अल्फा, वो उसको क्रॉस करने में हेल्प कर रहा है परपेंडिकुलर, और ये वाला उसको मिनिमाइज, ये ड्रिफ्ट की मिनिमाइज करने में कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। अभी फॉर मैक्सिमम मिनिमा डी एक्स बाई डी अल्फा इज 0, तो डिफ्रेंशिएट करना है अभी, देखो 5 का तो ये वाला फार्मूला लगेगा, यू अपॉन वी का डिवीजन का जो डिफरेंशिएशन, इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर, माइनस न्यूमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर,
ठीक है, और डिवाइड बाई वी स्क्वायर, ये वी है और ये यू है, ठीक है। तो ये फार्मूले से डिनोमिनेटर तो हमने एज इट इज लिख दिया, इसको डिफ्रेंशिएट किया है ना, ऑलराइट। उसके बाद माइनस ये एज इट इज, तो यहाँ पर प्लस है, हाँ ठीक है, तो ये माइनस आ गया, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, तो इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब चले जाएंगे, देखो, और ये सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम यहाँ पर, यहाँ पर कॉमन लिया तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा वन आ गया, ये रह गया, तो साइन अल्फ़ा के लिए सॉल्व किया तो ये 3/5 आ गया, ठीक है। तो ये साइन अल्फ़ा की वैल्यू ऊपर इसमें पुट कर दी, ये वाले इसमें, तो 5 - 3 साइन अल्फ़ा की वैल्यू 3/5, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकाली राइट एंगल ट्रायंगल से 3/5 है, ये 4 हो जाएगा, कॉस अल्फा 4/5 आ जाएगा, नीचे कॉस है, 6/cos की वैल्यू 4/5, सॉल्व किया तो ये 2/3 किलोमीटर आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज द मिनिमम ड्रिफ्ट, जीरो नहीं करा पाएगा बिकॉज स्पीड इज, स्पीड ऑफ रिवर इज मोर देन हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एन एरोप्लेन हैज़ टू गो टू द पॉइंट ए, गो फ्रॉम पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी, यहाँ से यहाँ जाना है, कितना है, 500 मीटर है, 500 किलोमीटर है, ठीक है। अवे ड्यू 30 ईस्ट ऑफ द नॉर्थ, ये नॉर्थ है, उसके 30 डिग्री पे ईस्ट की तरफ, ठीक है, ये एंगल नॉर्थ की तरफ है 30, ईस्ट की तरफ है, सॉरी, ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से 30 डिग्री, ये ईस्ट होगा, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ है, ऑलराइट। तो एक मिनट है, तो ये लिख ली कंडीशन हमने, देख ली, उसके बाद देखते आगे। विंड इज़ ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ, विंड ऐसे ब्लो हो रही, कितने से, 20 से, द एयर स्पीड ऑफ द प्लेन इज 150 मीटर पर सेकेंड, प्लेन 150 मीटर से, फाइंड द डायरेक्शन इन विच पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच टू द पॉइंट बी, थोड़ा सा ऐसे एंगल रखना पड़ेगा और विंड उसको ऐसे ले जाके अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगी, है ना। तो वो हमें ट्रायंगल बना लिया, हमें डायरेक्शन निकालनी है, फाइंड द डायरेक्शन इन विच पायलट शुड हेड टू द प्लेन टू रीच द, तो ये हमने ये वाला एंगल निकाल लेंगे, वही लिखेंगे लाइन के साथ कितना एंगल आएगा, वही आंसर भी दिया। तो इसमें साइन फार्मूला लगता है, साइन फार्मूला क्या होता है कि अपोजिट साइड, ओके यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये इसका साइन अंदर का एंगल अल्फ़ा है, ये तो साइन अल्फ़ा डिवाइड बाय अपोजिट साइड 20, उसके बाद साइन 30, उसकी अपोजिट साइड क्या है, 150 मीटर पर सेकंड में, तो 150, तो साइन ऑफ एंगल डिवाइड बाय अपोजिट साइड, एक ट्रायंगल में ये साइन फार्मूला होता है। तो यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू 1/15 आ गई, 1/5 आ गई, तो साइन अल्फ़ा 1/5 विद द लाइन ए बी, दैट इज़ द आंसर गिवन। अभी हमें ये भी तो चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, नहीं ये वेलोसिटी चाहिए, उसको 500 से डिवाइड करेंगे तो टाइम मिलेगा, तो वी ए बी चाहिए, ठीक है, वेलोसिटी अलोंग द ए बी, जो कि उसकी ग्राउंड से देखने में पता लगेगी, उसकी विद, ये विद रिस्पेक्ट टू विंड है, ये विंड की है, ग्राउंड से हमें ऐसे दिखेगा वो, और रियल में ऐसे ही जाएगा वो, दो वेलोसिटी का वेक्टर सम। तो वी ए बी निकालनी है, तो वी ए बी तो ये है, इसके सामने का एंगल ये 180 माइनस सम ऑफ दिस टू एंगल,
और एक कोई और साइड ले लो, वो तो हमें पता ही है दोनों वैल्यूज, 20 वाली ले ली तो उसके नीचे एंगल साइन अल्फा विच इज़ 1/5, ठीक है, ऑल एट ये 0, 1/5 है कि 1/15 है, 1/15 है वो, देखो हमने आगे 1/15 ही यूज़ किया है, तो ये 180 माइनस टोटल एंगल, तो ये हो जाएगा साइन 30 प्लस अल्फ़ा, अभी ये भी इसको एक्सपेंड कर लिया, साइन 30 कॉस अल्फा प्लस कॉस 30 साइन अल्फ़ा, और ये 15 था तो 20 × 15 300 आ जाएगा। इनकी वैल्यूज पुट की, थोड़ा सिंप्लीफाई किया इन लोग, इनको रूट से बाहर निकाला तो ये इतना आ रहा है, इतना आ गया वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए बी विल बी 167। थोड़ा कॉमन सेंस से आइडिया लगा सकते थे, ये 150 तो है विद रिस्पेक्ट टू विंड, ये 20 है, थोड़ी सी ज़्यादा आएगी 150 से, तो ये आ गई। तो टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वी ए बी, डिस्टेंस 500 किलोमीटर है तो 10^3 भी आ गया, और ये मीटर पर सेकंड में, तो इतने सेकंड्स आ गए, इसको 60 से डिवाइड किया तो वेरी क्लोज टू 50 मिनट्स, थोड़ा सा कम आ रहा है, तो बट राउंड फिगर में 50 मिनट्स लिखा है इसका, ठीक है। तो साइन वाले फार्मूले से निकाला, कंपोनेंट भी करके निकालते हैं, तो बट दिस इज़ द बेटर वे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50th, द टू फ्रेंड्स ए एंड बी स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस एक्स अपार्ट ऑन ओपन फील्ड एंड विंड इज़ ब्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, यहाँ से विंड इधर ही ब्लो हो रही है, ए बीट्स ड्रम एंड बी हियर्स साउंड T1 टाइम में, तो जब ये ड्रम बीट करेगा तो इधर विंड भी इधर ही जा रही है, विंड की उन्होंने यू दी है, साउंड की स्टिल एयर में भी दी है, तो इसका जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी इतनी हो जाएगी, दोनों एड अप हो जाएंगे ना, बिना विंड के इतने से जा रही, तो दैट इज़ एक्स बाई T1 टाइम दिया है, तो यहाँ से तुम्हें वी माइनस यू की, पर जब इन्होंने चेंज कर ली पोजिशन, बी यहाँ आ गया और ये ड्रम बीट करेगा तो वी ऐसे आएगा और विंड ऐसे जा रही U, तो माइनस हो जाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वो डिक्रीज हो जाएगी, V माइनस U इज इक्वल टू X/T2, टाइम ज़्यादा लग रहा है, लगेगा इनफैक्ट, तो ये दो इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया तो U कैंसिल हो गया, तो V का रिलेशन मिल जाएगा, अभी ये V की वैल्यू हम वापस पुट कर देंगे वन ऑफ द इक्वेशन में तो U मिल जाएगा हमें, ठीक है, तो दैट इज़ हाउ इट इज़ डन। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटीज जो है बढ़ और घट रही हैं, सिंपली ऐड हो रही है विंड की डायरेक्शन में, अपोजिट जो है सब्ट्रैक्ट हो रही है। अभी क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो 90 डिग्री पे खड़े होगा ये, ए यहाँ पर बी यहाँ पर, तो अभी विंड साउंड जो प्रोड्यूस है सभी डायरेक्शन में जाती है, ये वाली तो उसके बाद पहुँचेंगी नहीं, ये वाली विंड की वजह से यहाँ चली जाएगी, इसलिए इधर वाली कोई ना कोई साउंड जो है ये इस एंगल पर इन दोनों का वैक्टर सम जो आएगा वो उसको सुनाए, वो उसको टाइम, वो उसका टाइम निकालेंगे हम, तो ये V है और ये U है, तो V डैश इज द वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये V क्या थी, विद रिस्पेक्ट टू एयर है, इन द स्टिल एयर, इनफैक्ट उसको स्टिल एयर बोलते हैं, एयर मीडियम में है वो, तो ये उसको ऐड कर देगी तो ग्राउंड से वो ऐसे पहुंचेगी, तो V डैश विच इज़ नथिंग बट अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो एक्स इज द डिस्टेंस उनके बीच का, एक्स जो है यहाँ पर दिया है ऑफ कोर्स मैंने, एक मिनट थोड़ा सा क्लोज लिखता हूँ, ठीक है, तो एक्स से डिवाइड कर दिया वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 पार्टिकल्स सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड ए मूव्स एट द कॉन्स्टेंट स्पीड वी, ईच पार्टिकल मेंटेन्स ए डायरेक्ट डायरेक्शन टूवर्ड्स द पार्टिकल एट नेक्स्ट कॉर्नर, कैलकुलेट द टाइम द पार्टिकल्स विल टेक टू मीट ईच अदर, देखो ये पार्टिकल यहाँ है और ये ऐसे चलना शुरू किया तो ये उसकी तरफ चलना है ऐसे, फिर ये वाला ऐसे चल रहा है ना, ये जो है अभी क्या होगा, ठीक है, ये वाला जो है ऐसे, ठीक है,
इस तरह से देख, थोड़ा सा डायग्राम सिंप्लीफाई करते हैं, ये यहाँ पहुँच गया था तो इसकी तरफ जरा अभी ये, और ये ऐसे पहुँचा तो ये यहाँ, तो एक दूसरे की तरफ चलते हैं वो। थोड़ा सा इसमें डायग्राम में जस्ट लेट मी पुट इट प्रॉपरली, देखो एक एक करके बनाते हैं। ये जो है ये थोड़ा सा ऐसे, तो इसकी तरफ ये डायरेक्शन करेगा अपना, पहले ऐसे चलेगा, पहले ये यहाँ तो ऐसे चलेगा, फिर वैसे डायरेक्शन ऐसे कर्व्ड आती है ऐसे इस तरह से, फिर ये जो है यहाँ वाला पहले तो ऐसे चलेगा और ये भी ऐसे चलेगा, फिर लेकिन ये टर्न आ जाएगा इसकी वजह से ऐसे टर्न होगा, तो ये भी ऐसे ऐसे जाएगा इस तरह से वो चेंज करेंगे। अभी ये पहले ऐसे चला फिर इसकी वजह से ऐसे टर्न हो गया, तो ये पहले ऐसे चला लेकिन ये जब इस तरफ दिख रहा है उसको तो इसने भी अपना चेंज किया ऐसे लाइक दिस। तो होगा क्या देखते हैं इसको फर्दर। तो इनिशियली तो ये ऐसे ही चला क्योंकि ये यहाँ पे था, तो इनिशियली स्टार्ट ऐसे ही है उसके दो, इसका ये वाला कंपोनेंट। अभी फाइनली ये सब ऐसे क्लोज होते होते ऐसे ऐसे तो ये फाइनली ऐसे ऐसे यहाँ पे ओरिजिन पे मिल जाएंगे सब। तो नेट इसका डिस्प्लेसमेंट ये है और वेलोसिटी वी का कंपोनेंट इधर वी कॉस थीटा आएगा, है ना। इनिशियली ऐसे स्टार्ट किया था उसने, फाइनली यहाँ पहुँचना है तो वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर, तो टी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये है ये रेगुलर हेक्सागन है, जितनी उसकी साइड होती है उतना सेंटर का डिस्टेंस होता है ए, और इसका कंपोनेंट इधर वी कॉस 60, कॉस 60 इज 1/2, तो ये 2a/v आ जाएगा, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट विल बी डन। ओके, थैंक यू वेरी मच।